हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार भी है। और आज मैं बहुत प्यारा सा आपको अपना एक प्लांट दिखाने जा रही हूँ। वाइन है, बल्कि हम उसको वाइन ही कहेंगे। देखिए, सिप्रस वाइन कहते हैं इसको, और हमिंग बर्ड प्लांट या हमिंग बर्ड वाइन भी कह सकते हैं। तो जो भी वाइन लेना चाहते हो, प्लीज़ इस सीज़न में ये वाली वाइन ज़रूर लें। इसके फूल इतने प्यारे लगते हैं कि बस देखते ही बनती है। कई कलर्स में आते हैं, मुझे जहाँ तक मतलब मैंने देखे हैं, वो मैंने तीन कलर्स में देखे हैं, रेड, वाइट एंड पिंक। और मुझे ये रेड वाला मिला प्लांट। और ये जब मुझे प्लांट मिला था, तब ये ऑलमोस्ट सितंबर था, और मुझे मालूम है कि ये विंटर्स में इसके प्लांट्स ये डाई हो जाता है, प्लांट ही डाई हो जाता है ये ऑलमोस्ट। तो लेकिन मैंने फिर भी ले लिया इसको, मुझे काफ़ी मतलब महंगा ही मिला ये वाला प्लांट, 250 का दिया उन्होंने। मैं कहीं गुड़गांव के आसपास गई थी, वहाँ किसी नर्सरी में मुझे दिख गया और मैंने तुरंत ले लिया। हालांकि मुझे पता था कि ये अब सर्दी आते ही मतलब विंटर सीज़न आते ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिया। मैंने सोचा मैं इसके सीड्स आते हैं और मैं इसके सीड्स कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न में फिर से इसको करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, मैं सितंबर एंड में लाई थी, और देखिए ये अक्टूबर मिड आते तक पूरी तरह से, ये देखिए मनी प्लांट में, ऊपर केले के प्लांट में, सब तरफ ये एंटेंगल हो गया। और मैंने मुझे फिर से इसको सबको अलग करना पड़ा, हिस्से निकाला मैंने, और मैंने किस तरह से संभाला वो सब मैं आपको इसके बारे में ही बात करना चाहती हूँ। और इसकी केयर टिप्स भी साथ साथ में बात करेंगे कि इसमें जो सॉइल है, बस वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए आपको। और इसको मॉइस्चर की बात करें, देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है, और कलियाँ भी इसमें, बर्ड्स भी आ रही हैं कई जगह पे। और जहाँ तक हम इसकी पानी की बात करें, वाटर की, तो इसको वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए, बट मॉइस्चर चाहिए। इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, और सनलाइट, सनलाइट तो इट लव्स सनलाइट, इसको सनलाइट तो बस बहुत पसंद है। तो इसको जितना आप अच्छी सनलाइट में रखेंगे, उतने इसके फ्लावर्स ज़्यादा होंगे। और अगर फ्लावर्स की बात करते तो हम जनरली कहते हैं कि इनको नाइट्रोजन देना है, तो लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि इसको नाइट्रोजन देने की भी ज़रूरत, ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और इसको हमिंग बर्ड प्लांट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं साथ साथ में डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि इसको इट लव्स नेक्टर, फ्लावर नेक्टर। और देखिए, अब मैं इसको रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ, और जल्दी से रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। इसकी सिंपल है, जो भी आप सॉइल अच्छी सी डाल दीजिए, जिसमें कि आपका कोई भी फर्टिलाइज़र मिला होगा। मेरे तो घर की बनी हुई कंपोस्ट होती है। ये जो वाइन है, ये समर में बहुत जल्दी से, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वाइन है। तो और जो इसकी लीव्स हैं, जब हम इसकी लीव्स की बात करते हैं, तो लीव्स तो इतनी सुंदर है, इसकी फॉलिएज जो है बहुत ही डेलिकेट है, इसकी लीव्स ब्यूटीफुल तो हैं ही हैं, टेंडर सी लीव्स हैं। तो ये हमारी रिपोर्टिंग भी हो गई है, और अब रिपोर्टिंग के बाद देखिए, ये दिसंबर तक ये पूरा प्लांट मेरा डाई हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे, ये देखिए सीड्स इसके बन गए हैं सारे। मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया, तो ये और जनवरी तक ये पूरे डाई हो गया। और इसके सीड्स देखिए, मैंने इसमें इसके सारे सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि मैं आके आपको आगे सीज़न जब आएगा इसका, समर्स का, तो मैं इसको लगा लूँगी और मेरे पास फिर से सिप्रस वाइन आ जाएगी। तो ये ऐसा प्लांट है जो विंटर्स में आते ही ख़त्म हो जाता है, तो हमें इसके लिए इसके जो सीड्स होते हैं वो रखने पड़ते हैं, जैसे पेटूनिया है। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं समर्स आएंगी और मैं इसको फिर से अपने घर में वाइन तैयार कर लूँगी। तो देखिए, ये आ गए मेरे प्लांट, ये मैंने जितने भी इसके सीड्स इकट्ठे किए थे टाइम टू टाइम, वो सारे मैंने इसमें डाले थे। और जब मैंने डाले थे उसको मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट 10 डेज पहले मैंने ये वाले सीड्स देखे इस तरह से डाले थे। आज नहीं डाल रही क्योंकि मैं बस पहले ही देखी, और 6 मैंने डाले थे, और 6 के 6 मेरी वाइन्स के सैपलिंग्स जो हैं देखिए तैयार हो गए। 4 ये हैं बड़े वाले, 1 5 ये है, और 1 6 ये आ रहा है छोटा सा, देखिए। तो इसी तरह से मुझे, मेरे पास फिर से 6 सिप्रस वाइन्स बन जाएंगी। आज के लिए इतना ही। असल में आपको ये भी तो बताना है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय।